भाई मौसम बड़ा, बारिश इतनी तेज की आने वाली है ना, उधर से बहुत तेज वाली बारिश आने वाली है। जब कहीं जा नहीं सकते तो मौसम भी बेईमान हो रखा है। वाह, नहीं नहीं वाह भगवान वाह वाह, बहुत तेज की बारिश आने वाली है, बहुत तेज वाली। चलो गाइस, मौसम तो दिखा दिया, अब चलते हैं अंदर। पौधों में पानी डाला तुमने? बहुत तेज है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टाइलिश विद शालिनी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ शालिनी। तो गाइस कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और कल मैं कितने बजे लाइव आई थी मुझे ध्यान नहीं है, और आज मैं फिर लाइव आने वाली हूँ और आप सभी के साथ करूँगी ढेर सारी बातें और कुछ ज़रूरी चीज़ें भी शेयर करूँगी। और घर में सारा काम हो गया है और नवरात्रि का जो पूजा था ना वो भी बहुत ही अच्छे से हो गया है। हस्बैंड ने सारा जितना भी व्रत का खाना था ना सब हस्बैंड ने बनाया, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसीलिए मैं सोती रही उठी ही नहीं। और आज मेरा मेकअप देखो आप लोग, कितना प्यारा मेकअप किया है। मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ मेकअप की वीडियो भी शेयर करने वाली हूँ। मेरी वॉइस जो है ना टोटली चेंज हो चुका है, और बाहर का मौसम देख के ना पकोड़े खाने का मन कर रहा है, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल बना रही हूँ अदरक वाली चाय। ओ, इलायची डालनी भूल गई। तो मैंने आज यही वाला पहन लिया अपना शरारा सूट। तो आज नवरात्रि था, किचन का ऑलमोस्ट सारा काम डन हो चुका है, साफ सफाई हो चुकी है। बर्तन है लंच का तो वो मैं अभी नहीं धुलूँगी, वो मैं बाद में धुलूँगी। और चाय बन रही है मेरी बहुत टेस्टी टेस्टी यम वाली। अदरक डाल दिया है मैंने खूब सारा कूट के। ये देखिए बाहर का मौसम ना आपको इतना प्यारा लगेगा। अच्छा गाइस, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस किस के यहाँ पे ऐसा मौसम हो रखा है, मुझे ज़रूर बताना गाइस। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ आप लोगों के जवाब जानने के लिए, तो मुझे ज़रूर 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 से बताना गाइस कि ऐसा वाला मौसम किसके किसके यहाँ है। ठीक है, तो चलिए चाय जैसी मेरी बन जाएगी मैं आने वाली हूँ लाइव और आप लोगों के साथ करूँगी ढेरों बातें। ठीक है, बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टाइल विद शालिनी में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं बना रही हूँ राजस्थान की फेमस पेंटिंग जिसको बनी पेंटिंग बोलते हैं, और जिसके नए नक्श बहुत ही ज़्यादा तीखे होते हैं। तो मैंने जितनी भी ये पेंटिंग बनाई है सब कुछ पेंसिल से ही ड्रॉ करके बनाया है, और आप भी कोशिश करिए, बहुत ही ईजी एंड सिंपल पेंटिंग है। और लॉकडाउन का सही यूज़ करिए गाइस, और काफ़ी हेल्प भी रहेगा, मतलब अच्छा रहेगा, टाइम बहुत आसानी से कट जाएगा आप सभी का भी। तो मैं अपने लॉकडाउन का आज से जो है ना काफ़ी यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि खाली बैठने से तो अच्छा कि कुछ ना कुछ बनाते रहो। मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ, बट थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है जिसकी वजह से मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती हूँ। और पहले मैंने पेंसिल से ड्रॉ कर लिया था, उसके बाद जो है ना मैं परमानेंट मार्कर से स्केच कर रही हूँ। तो पेंटिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना गाइस। उम्मीद करूँगी कि मेरी ये बनी पेंटिंग आप लोगों को बेहद पसंद आएगा। मैंने एक छोटी सी कोशिश स्टार्ट किया है गाइस, जैसा मैं हर वीडियोस में बोलती हूँ कि आप लोगों को भी सीखना चाहिए ये सारी चीज़ें, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है और काफ़ी काम भी आती है ये सभी चीज़ें। अगर आपको क्रिएटिविटी आती है ना, आप लाइफ में कभी भी अकेले नहीं रह सकते हैं, क्रिएटिविटी लाइफ में ज़रूर आना चाहिए। तो ये बनी पेंटिंग जो है ना कभी भी एक कलर से नहीं बनता है, मतलब ये शेडिंग वाली पेंटिंग होती है, और राजस्थान की काफ़ी फेमस पेंटिंग इसको बोला जाता है। मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं पता है इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल आप लोगों को नहीं बता पाऊँगी। तो मैं इस पेंटिंग को बना रही थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि इसका फेस जो है ना पूरा नेचुरल जो है देना पड़ेगा। और ये जो पेंटिंग है ना मैं पूरा अपने दिमाग से ही बना रही हूँ, कहीं कहीं से मतलब ट्रेस वगैरह नहीं किया है। मुझे पेंटिंग का और ये सारी चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा शौक है। जो मेरे पुराने व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर होंगे उनको 110% पता होगा। तो इसको एक्रेलिक कलर से अगर मैं करती तो ज़्यादा शेड अच्छे से दे पाती, क्योंकि वाटर कलर से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ।
तो शेडिंग देना थोड़ी सी मुश्किल हो रहा है, लेकिन आपको शेडिंग के साथ ही काम करना है। ऐसा नहीं है कि एक कलर ही भर देना है, इससे क्या होगा, ये पेंटिंग बिल्कुल भी ओरिजिनल नहीं लगेगी और बहुत बेकार लुक आने वाला है। तो गाइस आप लोग देख लीजिए कि मैं कैसे बना रही हूँ इस पेंटिंग को। तो यहाँ पे मैंने शेडिंग का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा है। अच्छा, स्टार्टिंग में आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि पेंटिंग बनने के बाद कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तो फेस का जो है ना पूरा नेचुरल कलर देना है, मेन तो इसका जो है ना गाइस फेस ही है। अगर आपने फेस को नेचुरल कलर नहीं दिया तो फिर बाकी पेंटिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो देख सकते हैं मेरा फेस जो है बिल्कुल नेचुरल आया है, कहीं लाइट कहीं डार्क। और मैंने जो इसके चीक्स को है ना कैसे उभारा है वाइट कलर से, तो वो आप लोग देख ही सकते हैं। आँखों के नीचे डार्क और कहीं डार्क कहीं, मतलब इस तरीके से पेंटिंग किया है ना ताकि पूरा नेचुरल लुक आए। और पेंटिंग का मुझे बहुत, जब मैं छोटी सी थी ना तब से ही ये सारी चीज़ें मैं करती आ रही हूँ, और कभी किसी ने नहीं बोला कि तुम सीखो बनाओ करो। मेरा खुद का इंटरेस्ट हमेशा रहा है, बचपन से ही रहा है। और अगर बचपन में कुछ ऐसा होता ना वीडियो वगैरह शेयर करने का, तो मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर कर पाती आप लोगों के साथ, क्योंकि उस समय क्रिएटिविटी करने का बहुत ज़्यादा शौक था मुझे। कभी कभी ऐसा होता था रात को ही पुराने कपड़े काट पीट के हाथों से ही सिल के उसको रात को पहन के सो जाती थी। सुबह जब मम्मी देखती थी ना तो कहती थी कि देखो इसने रात को ही बना के पहन लिया। तो इस तरीके से मैं, मुझे इन सब चीज़ों की आदत है, हैबिट है। तो मैंने देखा कैसे कैसे शेड दिया है इसके फेस को ना, मैंने पूरा नेचुरल शेड दिया है। और अभी तो मैं इसको ब्लैक कर रही हूँ, लेकिन बाद में क्योंकि इसका दुपट्टे को हाईलाइट करना है, यानी कि ट्रांसपेरेंट दिखाना है। बालों के ऊपर आप दुपट्टे को कैसे हाईलाइट कर सकते हैं, दुपट्टे को कैसे हाईलाइट कर सकते हैं, ये सभी मैंने अपने पेंटिंग के जरिए आप लोगों को बताने की कोशिश किया है। मैं बहुत सारे लोगों को अच्छी चीज़ें बताती हूँ, सिखाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फालतू में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। फालतू लोगों की जैसे एक है ना, अभी मैडम मुझे पता नहीं है, अचानक से उनकी वीडियो जो है ना मेरे सामने आ गई थी, और इंडियन मॉम चैनल करके हैं, तो उन्होंने ना यूट्यूब पे पूरी गंदगी का पूरा जो है ना रायता ही फैला रखा है। तो एक लोग की वजह से ना पूरी जो मछली है ना पूरे तालाब को ही गंदा कर देती है। और ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं ना मेरे लाइव में, मैं लाइव में अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबरों के साथ, व्यूवर्स के साथ बात करना चाहती हूँ, उन्हें कनेक्ट उनसे कनेक्ट रहने की कोशिश करती हूँ, कुछ सिखाने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप लोग अपने लाइफ में सीख सके। बाद में आप लोग कहते हो कि दीदी आप सेविंग कैसे करते हो, आप मेहनत कैसे करते हो, आप ये कैसे कमाते हो, वो कैसे कमाते हो, लेकिन बहुत सारे लोगों का ना इंटरेस्ट नहीं रहता है इन सभी चीज़ों में। जब अच्छी चीज़ें हम शेयर करते हैं ना तो उसमें व्यूज़ भी नहीं आते हैं, क्योंकि आप लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं रहता अच्छी चीज़ों में, फालतू की चीज़ों में। बहुत सारे लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो मैं अच्छी अच्छी चीज़ें जब सिखाती हूँ तो उन सब चीज़ों में ध्यान नहीं रहता है बहुत सारे लोगों का। तो यहाँ पे आधे से ज़्यादा मेरा फेस जो है कंप्लीट हो चुका है। बाल आप देख सकते हैं पूरा नेचुरल, आपको बनी जो राजस्थान की फेमस बनी को बोलते हैं, तो किसी राजा ने इस पेंटिंग को बनाया था पहली बार, तो बहुत फेमस माना जाता है राजस्थान में इस पेंटिंग को। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों के साथ यही पेंटिंग जो है ना शेयर करती हूँ। बट चलो, जिसका इंटरेस्ट है वो देखेगा, जिसका इंटरेस्ट नहीं है, फालतू की चीज़ों में इंटरेस्ट है तो वो फालतू की चीज़ें देख सकता है। और मैं एक ही बात बोलूँगी कि मेरे लाइफ में अगर कोई फालतू आके बोलता है आगे से, या फिर फालतू के कमेंट्स करता है, तो मैं सीधा उसकी रिपोर्ट करूँगी। और मैं, मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं है गाइज रिपोर्ट करने के अलावा, मैं रिपोर्ट कर दूँगी किसी ने भी फालतू बोला। तो देखो, मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है कि मैं इन फालतू की चीज़ों में पड़ी रहूं, मेरे पास काम बहुत होते हैं करने के लिए। तो मैं बस रिपोर्ट ही करने वाली हूं और तो कुछ नहीं कर सकती हूं। तो ऐसा ही होता है गाइस। तो यहां पे मेरी फाइनली जो है ना पेंटिंग बन के रेडी हो गई है, बनी पेंटिंग, ये है बनी पेंटिंग। तो अब इसका एक्चुअल फाइनल लुक जो है मैं क्रिएट कर रही हूँ। तो यहाँ पे रेड कलर से लाइन ड्रॉ करना है। आप लोग चाहे तो 3D लाइनर भी यूज कर सकते हैं। ये
ये राजस्थान की काफी फेमस पेंटिंग है गाइस, ठीक है, आप लोग जरूर ट्राई करना और इंस्टाग्राम पे मुझे इसकी पिक्चर भेजना, मैं अपने वीडियोस में दिखाऊंगी इसको। पेंटिंग जो है मेरी बन गई है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो ये रही बनी पेंटिंग और आप देख सकते हैं ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, और इसको मैं आप लोगों के साथ लाइव में सिखाना चाहती थी, बट कुछ लोगों के घटिया कमेंट्स की वजह से मैंने लाइव एंड कर दिया है। मैं इसीलिए लाइव नहीं आती हूँ क्योंकि कुछ घटिया मेंटालिटी के लोग पहले से ही बैठे रहते हैं कि कैसे मेरी लाइव स्टार्ट हो और वो आके मेरी लाइव को ख़राब कर दें। तो मुझे नहीं पता कि इनके घर में इनकी सिस्टर होती है कि नहीं होती, इनकी मदर होती है कि नहीं होती है। ये लोग पूरी लाइफ जो मेरी लाइफ में स्टार्ट करती हूँ ना, पूरी लाइफ को मेरे ख़राब करके रख देते हैं। इनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, आई डोंट नो, बट मैं फाइनल डिसाइड मैंने किया है कि अब मैं जो कुछ भी बातें करूँगी आप लोगों से वीडियोज़ में ही करूँगी, मैं लाइव बिल्कुल भी नहीं आऊँगी, और ख़ासकर ऐसे लोगों की वजह से, क्योंकि मेरा माइंड जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, मुझे इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो चलिए फाइनल लुक जो है मेरी बनी पेंटिंग बन के रेडी हो गई है, और मैंने अपने लॉकडाउन का सही इस्तेमाल किया है। मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सी बनी पेंटिंग बनाया है जो कि राजस्थान की सबसे फेमस पेंटिंग है, और आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं लॉकडाउन में, देख सकते हैं डेकोरेशन के बाद ये कितनी खूबसूरत लग रही है। आप चाहे तो इसको स्टोन वगैरह से भी डेकोरेट कर सकते हो, और अब मैं नेक्स्ट इससे भी खूबसूरत पेंटिंग बनाने वाली हूँ, और आप लोगों को बहुत प्यारा सा सूट बनाना भी सिखाऊंगी, और सूट पे कैसे कैसे एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। अगर आप लोग स्टार्टिंग से क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं ना, तो फटाफट मुझे कमेंट्स कर दीजिए। मैं जानना चाहती हूँ कि कौन कौन लोग इंटरेस्टेड है सीखने में, क्योंकि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। जो जो लोग मुझसे सीखना चाहते हैं ये सारी चीज़ें,
वही लोग मुझे कमेंट्स करें, बाकी फालतू के जो लोग हैं ना वो अपने रास्ते जाए, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं ऐसी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें बनाने में, अपने घर को सजाने में, अपने लिए कुछ क्रिएटिविटी करने में, जो लोग इंटरेस्टेड है ना वही लोग मुझे कमेंट्स करिए। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। अब मैं, क्योंकि मैं सुबह से बैठी हूँ, अब मैं जा रही हूँ रेस्ट करने। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। आप लोग क्या कुछ सीखना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो तो मुझे बताओ, नहीं इंटरेस्टेड हो तो कोई बात नहीं, अगर फिर भी मैं अपने लिए तो वीडियोज़ तो बनाने ही वाली हूँ। अगर जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं ना गाइस, कुछ लोगों की वजह से उनका भी इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। आर्ट, पेंटिंग, मेकअप, कला एक ऐसी चीज़ है ना जो हमारे हिंदुस्तान में बहुत ही ज़्यादा नाम है आर्ट कला का। जो आर्टिस्ट लोग होते हैं उनके लिए ब्रश की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो बहुत ही अच्छे अच्छे आर्टिस्ट होते हैं उनकी उंगलियां ही कलर पे काम करती है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें सीखते हो ना, मैं बार बार यही बोलती हूँ, आप लोग मुझसे पूछते रहते हो कि आप कैसे करते हो, क्यों करते हो, कैसे कर पाते हो, तो आप लोगों के सवाल का जवाब यही सब है। आप लोग सीखना ही नहीं चाहते हो, कुछ कोई चीज़ करना ही नहीं चाहते हो, कोई आपको बता रहा है, कोई सिखा रहा है, तो कुछ लोगों का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है। अगर आप ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं ना, आप बना के इसको फ्रेमिंग करके आप किसी को भी इसको सेल आउट कर सकते हो। मैं कितनी बार आपको बता चुकी हूँ कि आप लोग बैंगल सीखो, छोटी मोटी चीज़ें सीखो मुझसे बनाना, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड लेते हैं, कुछ लोगों ने मेरी जो मैंने सिखाया है बहुत सारी चीज़ें कुछ लोगों ने बनाई भी है, और वो लोग थैंक्सफुल भी है। तो थैंक्स टू यू गाइस कि मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर रही हूँ तो आप लोग उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, ये आपके बेनिफिट की चीज़ें हैं। अगर आप आर्ट सीखते हैं, कला सीखते हैं, मेहंदी लगाना सीखता है, तो लाइफ में ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है गाइस। मैं हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि जॉब बार बार अभी सिचुएशन ऐसी है कि जो लोग जॉब वाले बंदे हैं ना वो रो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन से लड़ने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है, लेकिन आप लोग बात नहीं मानते हो। तो ये सारी चीज़ें ट्राई करो और कोशिश करो बनाने की। तो बाय बाय, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना गाइस, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो से आप लोग नोटिफाई हो पाए। अभी के लिए बाय बाय।